अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, तो हम लोग कह रहे थे इम्यूनोलॉजी का ज़रा फास्ट से रिव्यू, और उसमें हम आगे चलते हैं फटाफट से ताकि ये ख़त्म हो जाए। मैं सारी वो चीज़ें आपको बताती हूँ इसमें जो क्वेश्चंस में आती हैं, ठीक है। बाकी को जो एक्स्ट्रा इन्होंने बिला वजह लिखा होता है, लाइक उसको टेक्स्ट के हिसाब से तो हमें पढ़ के फ़ायदा नहीं है ना, हमने तो क्वेश्चन वाली चीज़ें करनी है। तो हम कहते थे इम्यूनाइजिंग एजेंट्स, और इम्यूनाइजिंग एजेंट्स में हमने थोड़ी थोड़ी वैक्सीन को मोटा मोटा सा कर लिया था, उतना ही ज़रूरी है, उससे ज़्यादा कोई भी नहीं पूछता होता कोई खास। जो अगली चीज़ आपने ध्यान में रखनी है वो है हमारा इम्यूनाइजिंग एजेंट है इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी कि हमारी एंटीबॉडीज़, ठीक है। ये भी अगर हम ज़ाहिर पैसिव इम्यूनिटी में बाहर से देंगे तो इम्यूनोग्लोबुलिन भी दिए जाते हैं और अंदर बॉडी के खुद भी प्रोड्यूस होते हैं। इनके बारे में जो एक चीज आपको लाजमी लाजमी आनी चाहिए वो ये है कि आईजीजी एंटीबॉडी होती है हमेशा सेकेंडरी रिस्पॉन्स में। आपको पता है कि जब भी कोई एंटीजन आता है तो बॉडी में सबसे पहले जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो आईजीएम होती है, विद इन आवर्स एंड डेज ये प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि आईजीएम इज द फर्स्ट एंटीबॉडी, और उसके साथ साथ ये वो एंटीबॉडी है जो कभी भी प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करती, ठीक है। नो क्रॉस ऑफ प्लेसेंटा, अक्सर प्लेसेंटा क्रॉस के हिसाब से आता है क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको जिक्र कर रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज और कोई मसला नहीं था। तो आईजीएम एंटीबॉडी पहली एंटीबॉडी है जो प्रोड्यूस होती है, इसके बारे में इतना याद रखना है आपने। जो आईजीजी एंटीबॉडी है ये आपकी सबसे ज्यादा है बॉडी में, एक तो 70 से 75% यही होती है, और दूसरा जब भी किसी की जो भी एंटीजन है उसके अगेंस्ट जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है, जो सेकंड एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है आईजीजी होती है, और ये हमेशा लॉन्ग लास्टिंग होती है, मतलब ये ज्यादा अरसे तक रहती है, ठीक है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स में आ गई आईजीजी। आईजीए एंटीबॉडी आपकी हमेशा सिक्रीशंस में सिक्रीट होती है, बॉडी की जो सिक्रीशंस में जब भी एंटीबॉडी आएगी ना, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कोलोस्ट्रम ऑफ द मिल्क में है, या फिर सलाइवा में है, या स्वेट में, थोड़ी बहुत एंटीबॉडी आपकी जो भी सिक्रीट हो रही है वो हमेशा आईजीए होती है, सिक्रीशन से याद रखना आपने इसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है आईजीई एंटीबॉडी। ये जो है ना आपकी हमेशा जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं, आपको पता है कि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस, उस किस्म की चीजों में आपकी आईजीई एंटीबॉडी का बहुत ज्यादा रोल होता है। और आपका आ जाता है फिर आईजीडी जो एंटीबॉडी है ना, ये बी लिम्फोसाइट्स पे प्रेजेंट होती है, और इस वजह से इसका मतलब आपकी ये एमसीक्यू में आता होता है इसके इससे रिलेटेड, और अपने याद रखें बी लिम्फोसाइट्स पे आईजीडी एंटीबॉडी होती है। तो इतनी इतनी सी बात इनके बारे में एटलीस्ट याद रखने की, ये आपके एमसीक्यूज़ हैं सारे जो मैंने बोले हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आता है हमारे पास हाँ, वो एक क्वेश्चन आता होता है, मेरे जहन में नहीं आ रहा था कि आपके पास पूछते होते हैं कि आपका डिफरेंस क्या है हाइपर सेंसिटिविटी और ऑटो इम्यूनिटी में। ये वाइवा में इसी किस्म के सवाल पूछ के तंग करते हैं सारे। तो हाइपर सेंसिटिविटी और ऑटो इम्यूनिटी का डिफरेंस ये होता है कि हाइपर सेंसिटिविटी इज अगर आपके पास कोई बाहर से एजेंट आपकी बॉडी के अंदर है, ठीक है, याद रखने की बात, बाहर से कोई एजेंट आया है और उसके अगेंस्ट बॉडी ने ओवर एक्टिविटी शो की है। जैसे हम कहते हैं ना कि लोग कुछ डस्ट के हाइपर सेंसिटिव होते हैं, या फिर कुछ लोगों को पोलन एलर्जी होती है वो पोलन से हाइपर सेंसिटिव होते हैं, या फिर कुछ लोगों को सिंपल जो आपकी एस्पिरिन है उससे भी एलर्जी होती है, जो डिस्प्रीन की टैबलेट है। तो बेसिकली क्या होता है कि बाहर से आने वाले किसी भी एजेंट से उनकी बॉडी एलर्जिक या ओवर रिएक्टिव होती है, तो इस चीज को हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। एंड ऑटो इम्यूनिटी इज कि आपकी अपनी बॉडी अपने ही किसी एंटीजन के अगेंस्ट हाइपर रिएक्टिव हो जाए, जिसके अगेंस्ट उसे होना ही नहीं चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि ऑटो इम्यून नेचर, जब ऑटो इम्यून जितनी भी डिजीज है उसमें होते हैं कि बॉडी के अपने ही एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बन रही होती हैं। तो हाइपर सेंसिटिविटी और ऑटो इम्यूनिटी में ये दो डिफरेंस है, ठीक है। तो ये बात अपने जहन में रखनी है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी अगला सवाल कि साइड इफेक्ट्स क्या है इम्यूनोग्लोबुलिंस के। तो साइड इफेक्ट्स में आपने याद रखना है कि कभी कभी एक आध दफा ऐसे क्यों आया हुआ कि जनरल जो लोकल साइड इफेक्ट होते हैं वो यही है कि आपका कोई ना कोई थोड़ा सा वहां पर एब्सेस सी बन जाए या दर्द हो जाए जहाँ पर आपने इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्ट की हैं। और जो दूसरा साइड इफेक्ट है जो हो सकते हैं अगर हमने किसी को इम्यूनोग्लोबुलिन दिए, तो एक तो बहुत सवेर एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन भी हो सकता है, और छोटे मोटे ये कि पेन हो गया, थोड़ा सा बुखार हो गया, थोड़ा सी एनर्जिक सा रिएक्शन आ गया, कोई डायरिया हो गया, कोई आर्थराइजिया हो गया, ये हो सकते हैं। बहरहाल मतलब जहन में रखना जरा से इस बात को। फिर पूछते हैं कभी कभार वाइवा में इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडीज में क्या डिफरेंस है। एंटीबॉडीज तो स्पेसिफिकली ये चीज़ें हैं जो बॉडी के अंदर आपकी इम्यूनिटी में रोल प्ले करती है, और इम्यूनोग्लोबुलिन कोई भी वो चीज़ जो कि पैसिव इम्यूनिटी के लिए इंजेक्ट की जाती है वो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है। कहते हैं कि सारी एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन है, लेकिन सारी इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज हैं कि नहीं, ये अभी भी एक क्वेश्चनेबल चीज़ है, मतलब इस पे सोचने की बात है, जरा सा अपने ध्यान में रखना, इसलिए मैंने बता दिए। तीसरी चीज़ जो हमारे पास होती है वो है एंटी सीरा या एंटी टॉक्सिन्स। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास वो चीज़ें जो हम एनिमल्स के अंदर प्रिपेयर करते हैं और उनसे हम फिर अपनी इम्यूनिटी, मतलब ये फिर ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट की जाती है टू इंक्रीज द इम्यूनिटी, उसको हम कहते हैं एंटी सीरा या एंटी टॉक्सिन। अब एनिमल के अंदर प्रोड्यूस करने के लिए जाहिर सी बात है हमें पहले एनिमल के अंदर एंटीजन को डालना पड़ेगा। सपोज मैंने हॉर्स में कोई एंटी सीरम बनाना है तो मुझे हॉर्स में पहले उस बीमारी का एंटीजन डालना पड़ेगा, यानी कि या तो मैं एंटीजन को किल्ड फॉर्म में डालूंगी या फिर मैं डायरेक्टली इन्फेक्शन कराऊंगी हॉर्स को, फिर हॉर्स के अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगी और फिर मैं वो एंटीबॉडीज लेके ह्यूमन बींग में इंजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करूँगी। लेकिन जाहिर है एंटी सीरा हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते, पहले हमें चेक करना होता है कि कहीं पेशेंट उससे एलर्जिक ना हो, कहीं उसे कोई मसला ना हो, फिर ही हम इंजेक्ट कर सकते हैं। मोनोवेलेंट का मतलब ये होता है कि जब हमने एक ही एंटीजन किसी एनिमल के अंदर इंजेक्ट करके एक ही तरह की उसके मतलब एक ही एंटीजन के अगेंस्ट हमने एंटी सीरा प्रिपेयर किया उसको कहते हैं मोनोवेलेंट, और अगर एक से ज़्यादा एंटीजन के अगेंस्ट हमने
एंटीसेरा प्रिपेयर किए तो उसको हम पॉलीवेलेंट कहते हैं, ठीक है, तो मोर देन वन एंटीजेंस के अगेंस्ट ही होता है, बस इतनी सी बात याद रखनी है, इसमें ज्यादा बात नहीं आती। कोल्ड चेन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस लिहाज से कि आपके ऑस्पी में इसमें से क्वेश्चन आते होते हैं। कोल्ड चेन का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास कुछ ऐसी वैक्सीन है जिनमें, अब जैसे स्पेशली ना जो आपकी लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन होती हैं, इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि इसमें ऑर्गेनिज्म लाइव होता है, अगर वो मर जाएगा ना तो आपकी वैक्सीन किसी काम की नहीं रहती, ठीक है। तो उसको जिस टेम्परेचर पे हमने रखना है उसी टेम्परेचर पे पूरे 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 बंदे तक पहुंचाना बहुत जरूरी होता है कि जैसे जो वैक्सीन लैब में प्रिपेयर हुई है जिस हालत में, अगर उससे टेम्परेचर चाहिए -5 तो -5 पे ही वो उस बंदे को लगनी चाहिए, अगर एक भी दफा -5 से कम हुआ होगा टेम्परेचर तो वैक्सीन फायदा नहीं रहेगा उसका, ठीक है। तो उस चेन को मेंटेन करने के पूरे प्रोसेस को कि हमने जितनी वैक्सीन जो कोल्ड एनवायरनमेंट में ट्रांसपोर्ट होती हैं, चाहे वो फ्रोजन कोल्ड हो या फिर खाली ठंडा होना हो, उनको कोल्ड में ही ट्रांसपोर्ट किया जाए ताकि वो अपना असर रखें, उसको कोल्ड चेन मेंटेनेंस कहते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, और पूछते हैं कि आपसे कोई भी हमें थोड़ी दो चार चीजों के नाम बता दें जो कि कोल्ड चेन में रोल प्ले करते हैं, तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं। हाल ही इनमें कुछ भी नहीं है, आपके पास वॉक इन कोल्ड रूम एक बड़े लेवल पे जो आपका जहाँ पर प्रिपेयर हो रही होती है वहाँ पर पूरे रूम का एनवायरनमेंट जैसे ठंडा होता है उसको वॉक इन कोल्ड रूम कहते हैं। फिर उससे छोटे छोटी जो चीज़ें हैं हमारे पास कोल्ड बॉक्सेस आ जाते हैं, वैक्सीन कैरियर्स हैं, डे पैक्स या फ्लास्क हैं, आइस पैक्स हैं जो हम घर में जैसे स्टोर करते हैं, तो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, ये सारी स्टोरेज की चीज़ें हैं किस तरह से हमने कोल्ड चेन मेंटेन रखनी है। लेकिन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ये आपके पास पूछते होते हैं। फिर अगली बार आपके पास ऑस्पी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी वैक्सीन हैं जो हमारे पास फ्रीज ड्राइड होती है, फ्रीज ड्राइड का मतलब फ्रोजन ड्राइड या फ्रीज ड्राइड वैक्सीन, जिस वजह से क्योंकि वो हमारे पास लाइव अटैनुएटेड है, उनको हमने फ्रोजन हालत में रखना होता है, ड्राई रखना होता है, अगर वो फ्रीज नहीं रहेंगे और गीली गीली मतलब पानी वाली हो जाएंगे तो उनका फायदा नहीं रहेगा। तो फ्रोजन ड्राइड में आपके पास पोलियो, मीजल्स और BCG आते हैं, इन चीज़ों में ना आपके पास आपको डिफरेंट जगहों पर थोड़ा बहुत आगे पीछे भी मिलेगा, लेकिन ये तीन कन्फर्म फ्रोजन ड्राइड है, ठीक है, BCG, पोलियो एंड मीजल्स, तो इनका नाम आपने लिखना होता है। अच्छा, उसके बाद वैक्सीन वायल मॉनिटर, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो वैक्सीन्स प्रिपेयर की जाती है ना उनके ढक्कन को उन्होंने एक हीट सेंसिटिव मटेरियल लगाया जाता है, ठीक है, वो हीट सेंसिटिव मटेरियल ये बताता है कि ये वैक्सीन किस हद तक गर्मी से एक्सपोज हो चुकी है और क्या अब ये इस्तेमाल के काबिल है या नहीं, ठीक है, क्योंकि वैक्सीन हमने सारी ही ऑलमोस्ट ठंडे ही ट्रांसपोर्ट करनी होती है, कोई वैक्सीन शायद ही ऐसी हो जो गर्म होती हो, उनमें से कुछ फ्रोजन ड्राइड होती हैं और कुछ हैं जो सिंपल कोल्ड वैक्सीन है, तो उनके सबके ढक्कन इस तरह के होते हैं कि आपके पास गोल ढक्कन होगा और दरमियान में ऐसे एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ होगा, ठीक है, ये ढक्कन सारा जो है बाकी आपके डार्क कलर का होता है और दरमियान वाला जो बॉक्स है ये लाइट कलर का होता है। तो अगर इसी स्टेज में ये है कि दरमियान वाला बॉक्स जो है स्केयर ये बिल्कुल लाइट है और बाहर से सारा ढक्कन डार्क है तो दिस इज़ द परफेक्ट वैक्सीन, बिल्कुल ठीक है, इस्तेमाल हो सकती है। अगर इस स्टेज में आ गया कि जो बाहर वाला ढक्कन है वो तो वैसे ही रहेगा, अंदर जो स्केयर है आपने असल में उसको देखना है, अगर स्केयर हल्का हल्का सा डार्क हो गया मतलब बिल्कुल लाइट नहीं है, बिल्कुल वाइट नहीं है, थोड़ा सा ग्रे ग्रे सा हो गया लेकिन फिर भी बाहर वाले कलर से लाइट ही है, बाहर ढक्कन जो गोल है उससे लाइट कलर का, ये तो स्टेज 2 पे आती है, ये भी इस्तेमाल हो सकती है। जो स्टेज 3 है वो तब आती है जब आपके पास अंदर और बाहर बराबर कलर हो जाए, अगर अंदर स्केयर और बाहर बराबर कलर हो जाएगा तो आपने वैक्सीन नहीं इस्तेमाल करनी, डिस्कार्ड कर देनी है। और स्टेज 4 तब आती है जब अंदर का कलर ज़्यादा डार्क हो जाए बाहर से, तब तो 100% डिस्कार्ड करनी है, मतलब ये दोनों स्टेजेस में आपने डिस्कार्ड करनी है और ये दोनों में इस्तेमाल करनी है। ये आपको ऑस्पी का रिटर्न का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर शेक टेस्ट ही होता है कि हम वैक्सीन को हिला के देखें अगर उसमें कोई प्रेसिपिटेट्स हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट होने नहीं चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तो भी हमने उसको फेंक देना है, जाया कर देना है। अच्छा, उसके बाद कुछ होते हैं जनरल हैजर्ड्स ऑफ इम्यूनाइजेशन, आपको पता है कि बहुत मोटी सी बात है, कभी कभार ये क्वेश्चन भी आ जाता होता है आपके हॉस्पिटल में कि क्या क्या किन चीज़ों को किन लोगों को वैक्सीन नहीं देनी, तो जाहिर सी बात है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे, जो किसी स्टीरॉयड मेडिकेशंस पे होंगे, जो प्रेग्नेंट होंगे, न्यूबॉर्न है, कोई कैंसरस पेशेंट्स हैं या HIV के पेशेंट्स हैं, अब ये सारी की सारी वो कंडीशन है जिसमें इम्यूनिटी एक तरह की सप्रेस हुई हुई होती है, तो ऐसे में वैक्सीन हमने बगैर सोचे समझे कभी भी नहीं देनी होती, बहुत सोच के देनी होती है। तो बस यही थोड़ी सी मोटी मोटी बात है, इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। करेंगे अब वो वाली बात हमारी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि EPI शेड्यूल क्या है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आपका, आपके मेरे ख्याल SEQ में 50% तो ये आता होता है कि पूरा EPI शेड्यूल लिखें, EPI क्या होता है, आपकी आधे से ज़्यादा वाई पे जा सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका जो पाकिस्तान में इस वक्त इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम चल रहा है जिसके तहत हम उसको बच्चों को जो एक न्यूबॉर्न बेबी है उसको 10 तरह की डिजीजेज के अगेंस्ट वैक्सीन लगाई जाती है, उसको हम EPI शेड्यूल कहते हैं। EPI कवर 10 डिजीजेज, ठीक है, पहले 9 होती थी अब 10 हो गई हैं। उसमें वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ पर लगनी है, किस किस टाइम पर लगनी है, वो सब आपको ऐसे रट्टा हुआ होना चाहिए। उसके लिए डायग्राम बहुत अच्छी सी आप अपने पास बना लें, क्योंकि डायग्रामेटिक जो चीज़ें हैं वो बंदे को ज़्यादा आसानी से याद रह जाती हैं एज़ कम्पेयर टू जो आपकी रिटर्न चीज़ें, ठीक है। ये एक बच्चा हमने बनाया है, ये बच्चे की राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, ठीक हो गया।
अब ये बच्चे की जाहिर आपको नजर आ रहा है कि एक राइट बाजू, लेफ्ट बाजू और राइट और लेफ्ट टांग है। हमने क्या करना होता है, जो हमेशा वैक्सीन का शेड्यूल के हिसाब से आपने जो दिन याद रखने हैं वो है बर्थ, 6, 10 and 14 weeks, 9 months and 15 months। इन चीजों को तो कभी भी नहीं भूलना आपने, ठीक है। सबसे पहले पैदाइश पे कुछ टीके लगेंगे, फिर 6, 10 and 14 weeks पे लगेंगे, फिर 9 months and 15 months पे लगेंगे। फाइन हो गया। अच्छा, उसके बाद अब हम देखते हैं कि ये हो गए हमारे पास वो वाली जगह जहां जहां पर हमने इंजेक्टेबल्स देने हैं, कुछ हमने ओरल देने होते हैं। याद मैंने इस तरह रखा हुआ, मैंने अपने जहन में तस्वीर बनाई होती है कि राइट साइड पे मैंने हमेशा इंट्राडर्मल देना है, ठीक है। डी पहले आता है तो राइट पे इंट्राडर्मल देंगे, और एस बाद में आता है तो लेफ्ट पे सबक्यूटेनियस देंगे। तो राइट इज गुड, राइट पे पहली चीज देनी है और लेफ्ट पे बाद में देनी है, ठीक है। तो राइट बाजू पे आपने बर्थ पे इंट्राडर्मल बीसीजी देनी होती है, जो आपकी है ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन, ठीक है। इंट्राडर्मल है, इसका स्कार भी बनता है बाकायदा, हर किसी के बाजू पे होता भी है, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ आपको, इसको देखना है आपने लाजमी। और उसके बाद हमारे पास आता है जी सबक्यूटेनियस, सॉरी उसके बाद आता है लेफ्ट डेल्टॉइड। लेफ्ट डेल्टॉइड का ये राइट डेल्टॉइड पे दिए हमने, ठीक है। जो लेफ्ट डेल्टॉइड पे देनी होती है वो सबक्यूटेनियस होती है मीजल्स की वैक्सीन, लेकिन ये देनी होती है आपने 15 मंथ्स पे, ठीक है। अभी इसके हिसाब से याद करते हैं, फिर मैं आपको शेड्यूल के अकॉर्डिंग एक दफा दोबारा बता दूंगी। ये आगे बर्थ पे, सही हो गया। उसके बाद हमने देनी है आगे है टांगों पे, एंट्रोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाइस पे देते हैं, ठीक है। एंट्रोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ राइट थाई एंड लेफ्ट थाई, एंट्रोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ राइट थाई पे हमने देनी होती है पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट का मतलब है कि इसमें पांच चीजें हैं। क्या क्या पांच चीजें हैं इसमें? सबसे पहले तो डीपीटी है, डीपीटी स्टैंड्स फॉर डिफ्थेरिया पर्टिसिस एंड टेटनस, आप सबको ये बात तो पता ही होगी। उसके साथ है इसमें हेप बी, हेपेटाइटिस बी है, और फिर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। ये पांच चीजों को मिला के पेंटावेलेंट होती है, ये आईएम हमने देनी होती है। और ये कब देनी है जी आपने? 6, 10 and 14 weeks पे, ये होगी बात, ठीक हो गया। फिर एंट्रोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ आगे लेफ्ट थाई, इस पे आपने देनी होती है हमारे पास न्यूमोकोकल की वैक्सीन, ठीक है। न्यूमोकोकल की वैक्सीन यहाँ पर आपने आईएम देनी है, और ये किस किस पे देनी है आपने? ये आपने देनी है जी 6 and 10, ये भी एग्जैक्टली सॉरी 6, 10 and 14 weeks पे देनी। तो अगर ये मोटी सी अगर आपको इतनी सी डायग्राम याद होगा तो आपका आधे से ज्यादा शेड्यूल तो हो गया यहीं पर पूरा, ठीक है। अब रह गया एक पोलियो। पोलियो को आपने याद रखना है कि वो आपने देनी है ओरल। बर्थ से शुरू करेंगे, बर्थ पे भी ओरल पोलियो के दो कतरे, 6 पे भी, 10 पे भी, 14 वीक्स पे भी, यहाँ तक आ जाना है आपने। और उसके बाद बूस्टर पे 20 से 23 मंथ्स पे आपने दोबारा पोलियो देने होते हैं, ठीक है, बूस्टर डोज। तो पोलियो मुसलसल ओरल रहेंगे और इन सारी दिनों में रहेंगे, ओरल पीछे से शुरू होगी आगे तक आएगा, ठीक है। अब हमारे पास कितनी डिजीजेस कवर होंगी अब देखते हैं। 1, 2 मीजल्स, 5 दर होगी, 7, 8वीं ये, 9वीं मैंने पोलियो बता दी, 1 रह गई है रोटा वायरस, ठीक है। रोटा जो है वो अभी पहले नहीं होती थी, मतलब ज्यादा पुरानी नहीं है, रोटा बाद में ऐड हुई है। रोटा के आपने देनी होती है जी 2, रोटा 1 एंड रोटा 2, और वो भी होते हैं ओरल, ठीक है। 6 and 10 weeks पे आपने देने होते हैं 2 रोटा ओरल, ओरल ये पोलियो के साथ आप याद रख लें। अब आपका पूरा का पूरा जो इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है ईपीआई, वो आपको यहाँ पर हिफ्ज हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद कोई बात उसमें रह ही नहीं गई। रूट भी हमने सारे लिख लिए, हमने डेट्स भी सारी कर दी। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, बर्थ पे आपने दी बीसीजी, ठीक है, इंट्राडर्मल राइट डेल्टॉइड पे। उसके अलावा बर्थ पे मैंने आपसे क्या कहा है, पोलियो दे दी, ठीक है, ओरल दे दी हमने, इसके अलावा इसमें कोई और बात नहीं। और हेपेटाइटिस बी एक अलग से हम देते होते हैं, उसको अलग से जरा से याद रख लेना। फिर आते हैं 6, 10, 14 weeks पे। 6, 10, 14 का एक ही जैसा शेड्यूल है, ओरल से शुरू करें, पोलियो ओरल, रोटा ओरल, आई एम एंट्रोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ राइट थाए पेंटावेलेंट, आई एम एंट्रोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट थाए न्यूमोकोकस, ठीक है। ये आ गई आपकी 6 weeks पे भी, 10 weeks पे भी, 14 weeks पे भी, सेम शेड्यूल है, कोई भी नहीं बदलेगा इसमें से। उसके बाद आ जाता है आपका 9 months पे। 9 months पे आपने दे दी सबक्यूटेनियस मीजल्स। 15 months पे भी आप सबक्यूटेनियस मीजल्स को रिपीट कर देते होते हैं एक दफा, ताकि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए, और आप बूस्टर डोजेस 20 से 23 months पे दे देते हैं। कहानी होगी यहाँ पर खत्म। अच्छा, अब कुछ बातें थोड़ी सी रह गई हैं इसी वीडियो में, बता दे बल्कि अगले में बताती हूँ, तो कोई मसला होगा कि नाज़मी। थैंक यू।